हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, 5 बज रहे होंगे। हाँ, तो मैं यहाँ पर बाल वाल बना रही हूँ शाम के टाइम में, क्योंकि मैं ना मॉर्निंग में बाल नहीं बना पाती हूँ और फिर मैं आलस भी कर जाती हूँ। मुझे बाल बनाने में थोड़ा सा आलस आता है, तो फिर बाल वगैरह बनाने के बाद फिर मैं आ गई रूम को ठीक करने। तो सबसे पहला काम मैं यही करती हूँ। वैसे बाल तो मैं बाद में बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने पहले बाल बना लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर लीड वगैरह कुछ सामान रखा रहता है बेड पर से, वो हटा देती हूँ। सिर्फ एक मैंने बकेट रखी हुई है, उस बकेट में रिमोट रहता है, कुछ फोन वगैरह रखा रहता है, तो बस वही सामान रहता है, एक्स्ट्रा मैं नहीं रखती हूँ। और ये फ्लावर पॉट रखा रहता है। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट वगैरह ठीक कर दी है, दूसरे रूम की भी ठीक कर दिया, वही दिखा रही थी मैं आपको। और गेट खोल देती हूँ, मतलब शाम के टाइम ना तो थोड़ा सा हवा आ जाती है बाहर से। और ये कपड़े वॉश करे थे तो ये रखे हुए हैं, इनको तय लगाऊंगी। तो उधर की भी मैंने, उधर के दोनों रूम की बेडशीट वगैरह ठीक कर दी है। अब मैं यहाँ का करूँगी सोफ़ा। आप देख सकते हैं क्या हालत हो रखी है, बच्चे टीवी देख रहे थे यहाँ पे बैठ के, तो उन्होंने कैसी हालत की हुई है सोफ़े की। तो मैं यहाँ पर ना टीवी चला रही थी, तो उधर ही रखा हुआ था मेरा फ़ोन भी, तो टीवी में मैं चला रही थी सॉन्ग, क्योंकि सॉन्ग चलाकर काम करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चे नीचे खेलने चले गए हैं पार्किंग में, तो मैं गाने चलाकर फिर अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको हेलो बोल रही थी सबको, तो बस अभी मैं स्टार्ट कर लेती हूँ फिर अपना काम फटाफट से। चाय वगैरह हमारी हो चुकी है सब कुछ, उसके बाद ही दूध वगैरह देने के बाद ही मैं बच्चों को नीचे भेजती हूँ खेलने के लिए थोड़ी देर। और सोफ़े के कवर ये सब ठीक करूँगी, दोनों रूम की बेडशीट वगैरह हो चुकी हैं, मोपिंग करूँगी। और क्योंकि ना शाम के टाइम हो ही जाता है थोड़ा सा, देखिए बच्चे खेलते हैं घर में तो लगाना पड़ता है मुझे। और बस कुशन कवर वगैरह सब ठीक कर दूंगी। और बच्चे कभी बैडमिंटन लेने आ रहे हैं, कभी बैट बॉल, तो ऐसे ही होता रहता है, उनका ऊपर नीचे करते रहते हैं पूरा दिन। तो यहाँ पर जो है मैं शाम के टाइम कारपेट नहीं हटाती हूँ, मैं ऐसे ही झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में तो अच्छे से दो बार हो जाता है, शाम के टाइम फिर मैं ज़्यादा नहीं हटाती हूँ कारपेट वगैरह, वो लगा रहता है। और किचन में भी मेरी झाड़ू हो चुकी है, अब दोनों रूम में भी मैं झाड़ू लगा लूँगी। कपड़े मैं डिनर वगैरह करने के बाद ना जब बनाती हूँ, अगर मेरे पास पहले टाइम होता है तो मैं पहले कपड़े तय लगा लेती हूँ, और अगर नहीं होता है टाइम तो डिनर वगैरह करने के बाद। तो यहाँ पर मेरी मोपिंग हो रही है तो मैं कर लेती हूँ। तो शाम से मैं मिल रही हूँ आपको अब डिनर के टाइम पे। तो यहाँ पर जो है सबने डिनर कर लिया है, ये मेरी प्लेट है, एक रोटी, थोड़ी सी आलू बैंगन की सब्ज़ी, चावल और दाल। आलू बैंगन की सब्ज़ी मैंने दोपहर में बनाई थी तो वो ही ले ली है, थोड़ी सी बच गई थी तो सबने थोड़ी थोड़ी खा ली है। तो ये है मेरा, और मैंने आप लोगों से ना डिनर दाल चावल शेयर नहीं करा है, क्योंकि वो तो हमेशा ही करती हूँ। इसके अलावा मैं कुछ और शेयर करने वाली हूँ आज आपके साथ में। तो यहाँ पर जो है डिनर वगैरह करने के बाद किचन क्लीन कर दी थी मैंने सारी, और अब मैं थोड़ा सा, मैंने दूध ले लिया है, तो मैं बनाने वाली हूँ आज मैंगो आइसक्रीम, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, देखते हैं कैसी बनती है। तो मैंने यहाँ पर दूध ले लिया था, मलाई के साथ ले लिया था, उसके ऊपर जो मलाई लगी हुई थी ना उसी के साथ। तो यहाँ पर मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है, और अब मैंने कस्टर्ड पाउडर ले लिया है ये, और दूध में मिक्स कर लिया है, थोड़े से ठंडे दूध में मिक्स कर लिया है। तो उसको अच्छे से दो या ढाई चम्मच मैंने कस्टर्ड पाउडर ले लिया था, शुगर ले ली है जो कि मैंने दूध में डाल दिया है, क्योंकि आइसक्रीम थोड़ी सी ना मीठी ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से बॉयल कर लूँगी दूध को, तो जब तक ये बॉईल होगा तब तक मैंने अपना कस्टर्ड पाउडर मिक्स कर लिया है अच्छे से दूध में। उसको दूध में, पानी में, आप किसी चीज़ में भी मिक्स कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दूध में उबाल आ रहा है, और जो मेरा कस्टर्ड वाला जो मैंने बनाया था ना घोल, वो मैंने इसमें दूध में डाल दिया है, और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी, दो तीन मिनट और पकाऊँगी। और ये काफ़ी थिक हो जाता है कस्टर्ड डालने के बाद, तो ये देख सकते हैं आप काफ़ी थिक हो गया। तो इसको मैंने फ़ैन में रख दिया ठंडा होने के लिए, रूम टेम्परेचर पे आएगा ये तभी हम इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये मैंगो लिए थे, और छोटे छोटे मैंगो थे इसलिए मैंने काउंट भी नहीं करे कितने थे, तो जितने भी थे मैंने सारे मिक्सी में डाल दिए। इसका सब का मैं मिक्सी में पेस्ट बना लूँगी,
और ये देखिए अब बस इसका जो पेस्ट है वो बन चुका है, काफ़ी स्मूथ सा और काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर जो है इसमें मैं फिर वो जो मैंने बनाया ना दूध का कस्टर्ड डालकर, तो इसको भी डाल दूँगी। तो उसके साथ उसके अलावा मैंने इसमें डाली है मलाई, जो हमारे दूध में से निकलती है फ्रेश मलाई, वो डाल दी है। उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा, क्रीमी सा टेस्ट आएगा इसका। तो फिर से जार को एक बार घुमा दिया है, तो ये देख सकते हैं। अब ज़्यादा नहीं चलाना है, रोक रोक के चलाना है, वरना फिर ना मक्खन निकल जाता है इसका, तो इसलिए। और जो मैंने ये कस्टर्ड पाउडर का बनाया था ना घोल सा, वो मैंने इसमें डाल दिया है अपने मैंगो के पेस्ट में। तो अब इसको भी मिक्सी में चला लूँगी एक दो बार, रोक रोक के चला रही हूँ, एक बार नहीं चला रही क्योंकि ये ना फुल भर गया था एकदम। और इसके लिए फिर मैंने ले लिया है एक, आप उधर देख रहे हैं ना टिफ़िन बच्चों का, जो प्लास्टिक वाला आता है, स्टील का नहीं लेना है, प्लास्टिक का लेना है। तो उसी में अच्छे से जमती है, वैसे आप लोगों को मुझसे भी ज़्यादा अच्छे से आती है होगी आइसक्रीम, लेकिन मैं बना रही हूँ तो आप लोगों से भी शेयर करना तो बनता है। तो यहाँ पर जो है मैंने पेस्ट को अच्छे से बना लिया, काफ़ी क्रीमी सा और टेक्सचर आया है इसका बहुत ही अच्छा। और मैंने इसमें स्पून को चला लिया है एक दो बार, अब मैं इसमें इसको भर दूंगी। तो यहाँ पर जितना इसमें आया था मैंने उतना भर दिया है, और इसको मैं फॉइल पेपर लगा के फिर इसके ऊपर जो इसका ढक्कन है वो लगा दूंगी, और फिर फ्रीजर में रख दूंगी इसको। तो ये देखिए मैंने इसमें लगा दिया है ढक्कन को, इसमें अच्छे से बंद कर दिया है ताकि इसमें बर्फ़ ना जमे, जो बर्फ़ के क्रिस्टल से जम जाते हैं ना वो ना जमे, तो इससे मैंने इसको कवर कर दिया है। और जो और मेरे पास बचा हुआ था वो पेस्ट सा मैंगो का, तो वो भी मैंने इसमें ये जो आइसक्रीम की आती है ना इसमें मैंने डाल दिया है, और इसको देखते हैं इसको भी जमाते हैं तो कैसी जमती है। ये तो मैं आप लोगों से कल ही शायद से शेयर कर पाऊँगी, आज तो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि जमने में भी टाइम लगता है आइसक्रीम को ना। तो बस ये सब मैं रख देती हूँ फ्रीजर में, फिर मिलती हूँ आप। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हो रहा है टाइम 9:15 बज रहे हैं, और घर का मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है, डिनर वगैरह सबका हो गया है, बर्तन क्लीन कर दिए हैं और किचन भी क्लीन कर दी है। और शाम को फिर सोफ़ा वगैरह सब बच्चे ख़राब कर देते हैं ना, तो वो ठीक कर दिया है सब कुछ, और आइसक्रीम जमने रख दी है। तो देखते हैं आज आइसक्रीम कैसी बनती है, जैसी भी बनेगी आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी। और अब तो मॉर्निंग में ही दिखा पाऊँगी आपको, क्योंकि जमने में भी टाइम लगता है उसको। और तो बस यहाँ पर बच्चे नीचे खेल रहे हैं पार्किंग में थोड़ी देर के लिए, उनको नीचे भेजा खाना वगैरह खाने के बाद ना, तो नीचे भेज दिया था थोड़ी देर, अभी आ जाएंगे वो। तो मैंने सोचा जब तक ना आप लोगों से बात कर लेती, क्योंकि बच्चे होते हैं ना फिर शोर करते हैं, वो कुछ भी बात नहीं करने देते हैं, तो इसलिए। और आज मैंने मॉर्निंग से वीडियो स्टार्ट नहीं करी है, शाम से करी है अपनी वीडियो स्टार्ट, क्योंकि ना बच्चों की ऑनलाइन जो क्लासेज हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, तो दोनों की एक साथ लगती है 9 से लेकर 1 बजे तक, तो दोनों को एक एक फ़ोन चाहिए होता है, और इसलिए फ़ोन चाहिए होता है, तो दोनों बैठ जाते हैं, घर में दो फ़ोन रहते हैं। तो मेरा भी थोड़ा सा वीडियो का जो बनाने का टाइम टेबल है ना थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, क्योंकि बच्चों को भी फ़ोन चाहिए, फिर दोनों को पढ़ाई करानी भी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए। और टाइम टेबल थोड़ा सा वैसा हो गया है इधर उधर सा, तो इसलिए आज मैंने मॉर्निंग से कोई भी वीडियो स्टार्ट नहीं करी थी, शाम से ही करी है। मोस्टली वीडियो मैं जो है शाम से ही स्टार्ट करती हूँ, मॉर्निंग से कभी कभी करती हूँ, क्योंकि ना मॉर्निंग में बहुत सारे काम होते हैं, और फिर बच्चे भी घर में होते हैं, फिर इनकी क्लास भी लग जाती है, तो इसलिए फिर फ़ोन ही नहीं होता है मेरे पास, तो पढ़ाई भी करानी ज़रूरी है बच्चों को। तो यहाँ पर जो है बस मेरा घर का काम सारा ख़त्म हो चुका है, अब मैं अपनी वीडियो का काम करूँगी, और सोचा कि आप लोगों से बात कर लेती हूँ। अभी बच्चे भी नहीं है ना, तो नहीं तो वो शोर करते हैं, कुछ भी नहीं सुनने देते हैं मेरे को, ना ही किसी से बात करने देते हैं। फ़ोन का भी ऐसे ही होता है, जब भी मैं फ़ोन करने मतलब फ़ोन करती हूँ ना, तो यह फ़ोन आ जाता है, मम्मी वगैरह का ही आता है, वैसे तो मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करती हूँ, तो उनकी शैतानियाँ शुरू हो जाती है, जैसे उनको लगाना कि मम्मी फ़ोन पे लग रही है, बात कर रही है, तो इतनी शैतानी करते हैं कि बात नहीं करने देते हैं। तो बस इसलिए जब वो नहीं होते ना तब मैं बात कर लेती हूँ, और तभी मैं अपनी जो है वीडियो को कोशिश करती हूँ कि तभी मैं शूट करूँ या बात करूँ आपसे, जब बच्चे नीचे खेल रहे हों थोड़े बहुत, या फिर शांत बैठे हो, या फिर सो रहे हो, तब मैं सोचती हूँ वीडियो, क्योंकि बच्चे हैं थोड़ी बहुत तो करते हैं, अभी फिर आ गए हैं, बैल बजी है,
तो फिर से आ गए हैं बच्चे। तो बस यहाँ पर जो है मैंने पूरा घर ठीक कर दिया है, ये देख सकते हैं आप, बेड वगैरह और सोफे के कवर सब ठीक कर दिया है, दोनों रूम। बस उधर थोड़े से कपड़े पड़े हुए हैं वो तय लगा कर, उसके बाद जो है मैं अपना वीडियो का काम करूँगी। बच्चे आ चुके हैं फिर से, आपको आवाज़ आ रही होगी। तो बस आइसक्रीम देखते हैं कल कैसी बनेगी, काफ़ी बस ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हम हाँ कपड़े चेंज नहीं करने हैं, बस भाई कर लेगा। आपने तो अभी करे थे ना कपड़े चेंज, ठीक है। तो बस के लिए मैं कर लेती हूँ अपने कुछ और काम, थोड़े बहुत कपड़े तय कर लेती हूँ, देखती हूँ बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाती हूँ बैठ के, क्योंकि अभी तो सोएंगे नहीं है, इतनी जल्दी सोने वाले नहीं है, 11 बजे से पहले नहीं सोएंगे, और अभी 9:15 बजे हैं। और आज ना मैंने ये वाला कुर्ता पहना कॉलर वाला, तो काफ़ी गर्मी लग रही है इसमें ना बहुत ज़्यादा, लेकिन अच्छा है ये, कम कॉटन का है, अच्छा है। और मैंने ना अपने काफ़ी सारे, एक दिन मैंने अपने मॉर्निंग में वीडियो डालने के बाद ना मैंने अपने काफ़ी सारे कुर्तों को लूज़ करा, टाइट हो गए थे और लूज़ किया उनको, पूरी दोपहर में मैं लगी रही उनको, क्योंकि ना कपड़े सारे ख़राब से हो रखे हैं, बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है कि कपड़े, अभी तक तो पता नहीं कितने कपड़े सिलवा मतलब लेते हम लोग, लेकिन बाहर नहीं जाते हैं, बाहर जाने से फिर वही है कि डर लगता है, थोड़ा रिस्की भी हो जाता है। तो मैं सोच रही हूँ अभी इनसे ही काम चलाऊँ, और एक दो कुर्ता अपने आप भी मैं जो है घर में थोड़ी बहुत स्टिचिंग कर लेती हूँ, तो वो सोच रही हूँ कि अपना सीलूँगी, आप लोगों से भी शेयर करूँगी। अगर मैं कुर्ती वगैरह बनाऊंगी अपनी, तो सिंपल सा तो बना लेती हूँ मैं ना घर में पहनने के लिए, तो वो बना लेती हूँ, लेकिन जो कॉस्टली कपड़े होते हैं ना सूट वगैरह मेरे, तो वो मैं नहीं बनाती हूँ खुद से, जो सिर्फ सिंपल से घर में पहने होते हैं ना उनको मैं बना लेती हूँ। तो चलिए बस मैं कर लेती हूँ अपने थोड़े बहुत कपड़े और बच्चों को पढ़ा लेती हूँ, फिर आपको ना मैं अगर अभी हो सका तो अभी मैं आपको दिखा दूंगी अपनी आइसक्रीम 2-3 घंटे में कैसी जमती है, और नहीं तो फिर मैं आपसे फिर मॉर्निंग में ही। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैं आपको ये दिखा रही हूँ, रात को मैंने जमने रखी थी अपनी मैंगो आइसक्रीम, तो इसको ना मैं निकाल कर भूल गई थी बाहर निकाल कर, और मैं नीचे कुछ काम करने चली गई तो थोड़ी सी ज़्यादा ही पिघल गई है, बट कोई नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा इसका टेक्स्चर आया है। तो और जो मैंने टिफ़िन में जमाई थी ना, ये भी जम चुकी थी अच्छे से, इसको भी थोड़ी देर पहले मैंने बाहर निकाल दिया था, और अब मैं सर्व कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने कटोरी ले ली है कांच की, और उसमें मैंने उसको डाल दिया है, और बहुत ही अच्छी फर्स्ट टाइम में मेरी जो है मैंगो आइसक्रीम बनी थी, वो लगा नहीं था कि फर्स्ट टाइम में मेरी इतनी अच्छी आइसक्रीम बनेगी। तो यहाँ पर मैं देने जा रही हूँ, तो देख सकते हैं आप, ये मैं आप सबको दिखा रही थी, थोड़े से बादाम उसके ऊपर से मैंने स्प्रिंकल कर दिए हैं, और इस वाली को मैं वापस से फ्रिज में रख दूंगी टिफ़िन में करके, क्योंकि बाहर रख के पिघल जाएगी। तो ये है फाइनल लुक मेरी आइसक्रीम का, कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना, और मुझे तो अच्छी लगी, बच्चों को भी बहुत ही पसंद आई। और तो बस यहाँ पर जो है बच्चों को मैंने खिला दिया आइसक्रीम, और बच्चों को आइसक्रीम मिल जाए तो इससे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। और यहीं पे कर देती हूँ मैं इस वीडियो का एंड। मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।